सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो है आपको एटीएम कार्ड का पिन कैसे आप सेट करें, चलिए जानते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही। सबसे पहले आपको मोबाइल बैंकिंग ओपन करके इसमें लॉगिन कर लेना है। इसका मैं लिंक दे दूंगा कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, वहाँ से आप उस वीडियो को देख के लिंक कर सकते हैं। और ये देखिए नीचे से तीसरे नंबर पर ऑप्शन है एटीएम कार्ड पिन जनरेट, यहाँ पर आपको जो है कार्ड मिला है उसका 16 अंक का ऊपर में नंबर होगा उसे टाइप कर देना है। उसके बाद पीछे आप कार्ड को पलटेंगे सीवीवी होगा, उसके बाद आपको कार्ड का मंथ सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं मंथ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप उसका कार्ड जो कब एक्सपायर होगा वो भी आपके कार्ड पे ही लिखा है, इसको सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ जो पिन बनाना पड़ेगा, जो आप पिन रखना चाहते हैं एटीएम में कैश विड्रॉ करने या कुछ भी करने के लिए। तो मैं चलिए पिन बना ले रहा हूँ, कन्फर्म पिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो है सेंट्रल बैंक का इंटरनेट पासवर्ड दे के प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करिए, ये देखिए कार्ड ऑलरेडी एक्टिव, मेरा कार्ड पहले से ही एक्टिव है इसलिए अब एक्टिव नहीं होगा। तो आप लोग जो है अगर आपका न्यू कार्ड है तो उसे एक्टिव कर सकते हैं, मेरा पहले से ही एक्टिव है, मेरा तो पुराना कार्ड है। तो आप भी चाहने से नया कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, किस कार्ड पर क्या नाम चाहिए, कौन सा कार्ड ले सकते हैं, वीज़ा मास्टर ये देखिए ऑप्शन भी है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।